हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक लंच बॉक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आपके बच्चों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। अलग अलग लंच बॉक्स देने से बच्चे सारा टिफिन फिनिश करके आते हैं तो बहुत खुशी होती है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये पनीर ले लिया है। पनीर को मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। इसे ग्रेट ही कीजिएगा, हाथों से क्रम्बल मत कीजिएगा। तो ग्रेटेड पनीर में थोड़ा सा नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, और मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, इसे भी डाल दीजिए। और एक छोटी हरी मिर्च है, बारीक ही काटिएगा इसे। तो इसे मैं सारा ही डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा है मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हो, तो मैंने डाल दिया। और ये है पावजी मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पावजी मसाला आपके पास हो तो ज़रूर डालें। इसे डाल के सारे मिक्सर को अच्छे से मिला लें। तो पनीर मसाला हमारा रेडी है। ये मैंने आटा ले लिया है, आटा में डाल दें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा ऑयल डाल दें। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नाश्ता बहुत ही झटपट बन जाता है दोस्तों। सारे चीज़ को इसमें अच्छे से मिला लें और पानी से आटा लगा लें, जैसे कि आप पराठे के लिए आटा लगाते हो, बिल्कुल उसी टाइप से हल्का हल्का पानी डालते हुए आटा लगा लें। आटा लगा के मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। अब चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इस टाइप का मैंने 2 पेड़ा बना लिया है, जैसे पूरी के गोला होता है उस टाइप से। तो इसे मैं बेल लूँगी। अभी दोनों को पूरी के आकार में बेल लें। थोड़ा सा एक बार और आटा लगा लें, सूखा आटा। इसी टाइप से मैं दूसरा भी बेल लूँगी। देखिए दोस्तों, एक रोटी मैंने बेल लिया है, इसी में ये फीलिंग को इस टाइप से फैलाते हुए चारों तरफ अच्छे से फैला दें। इससे हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, बहुत अच्छे से चारों तरफ कोट हो जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सारे बैटर को मैंने फैला लिया है। अब दूसरी रोटी जो है उसको अच्छे से फैलते हुए इस तरह से चारों तरफ ऐसे ऐसे करते जाएं, फिलिंग हमारा अच्छे से तैयार। बीच में भी हल्का प्रेस कर दें। इसमें सूखा आटा लगा के हल्का सा और बेल ले, इक्वल हो जाए। हमारा गर्म हो चुका है तो रोटी को मैं डाल दूंगी। ये पराठा थोड़ा मोटा ही बनता है क्योंकि इसमें स्टफिंग है। तो एक तरफ से हल्का सिकने दे, मीडियम आंच रखे। एक तरफ से सिक गया, मैं इसे पलट देती हूँ। तो पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब इसमें ऑयल लगा दूंगी मैं। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और दोनों तरफ से मैं ऑयल लगाते हुए तो सेक लूँगी। पराठा हमारा फूल गया है, पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है, मैं निकाल लेती हूँ इसे। तो पराठे हमारे सिक के तैयार हैं। ये मैंने टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाया है। तो दोनों पराठे हमारे तैयार हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, बस 2 ही बनाया है, बच्चों को टिफिन में देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आप इसे मैं खोल के भी दिखा दूँगी। मसाला कितना चारों तरफ अच्छे से कोट हुआ है, बहुत ही डिलीशियस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।